है फ्रेंड, तो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स का। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें से नेक्स्ट हम लोग का है लंबाई का मात्रक। हम लोग कवर अप करेंगे द्रव्यमान का मात्रक, कवर अप करेंगे, और समय का जो प्रमुख मात्रक है वो कवर अप करेंगे, और यहाँ पे भौतिक राशियों का मात्रक है इसको कवर करेंगे, और इसमें बहुत सारा है, और अगले स्टेजेस में हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो वन बाई वन हम लोग देखते हैं, ठीक है, वन बाई वन हम लोग इस टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, लंबाई का मात्रक यानी एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10^15 मीटर होते हैं। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 × 10^11 मीटर होते हैं। एक माइल यानी एक मील बराबर 1760 गज होता है, और फिर उसी के बराबर हम बोल सकते हैं एक मील बराबर 5280 फुट होते हैं। अगर उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट होगा 1.6 किलोमीटर में होंगे, ठीक है। एक फर्मी बराबर होते हैं 10^-15 मीटर होते हैं, और एक एंगस्टम बराबर होते हैं 10^-10 मीटर होता है, और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट होते हैं, जो कि हम लोग मेजरमेंट में इसके बारे में हम लोग बताया था पार्सेक किसके लिए यूज किया जाता है। पार्सेक जो होता है हम लोग खगोलीय दूरी को मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष होता है एक प्रकाश यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। खगोलीय मात्रक है वो भी हम लोग एस्ट्रोनॉटिकल मेजरमेंट में यूज करते हैं, पृथ्वी ग्रहों की दूरी सबको मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। माइल जो है ये भी हम लोग यूज करते हैं मील से डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। और यहाँ पर देखते हैं द्रव्यमान का मात्रक, ये सब मतलब ये क्या है इंपॉर्टेंट जो है, और एक ऐसा ही जो है इसमें दे रखा है ना, 1 kg बराबर 100 ग्राम सॉरी 1000 ग्राम, ये सब लोग जानते हैं। एक अस्लग बराबर 14.59 kg होते हैं, ठीक है। एक स्टोन बराबर 14.50 kg होता है। एक ग्रेन बराबर 7.776 ग्राम होता है, और एक एएमयू जो कि केमिस्ट्री में होते हैं 1.6 × 10^-27 kg होता है, और एक क्विंटल बराबर 100 kg होते हैं। ये था हमारा द्रव्यमान का मात्रक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समय का प्रमुख मात्रक क्या है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है और ये भी पता है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, है ना। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, ठीक है। ये सब लोग को याद रहता है, लेकिन हम लोग को जनरली ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी मैथमेटिक्स को भी सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग का ये आ जाता है। जैसे 24 घंटा बराबर होता है 86400 सेकेंड, ठीक है, जबकि एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। अगर इसको हम लोग और कैलकुलेट करेंगे तो 3.16 × 10^7 सेकेंड होंगे, ठीक है। अब भौतिक राशियों का मात्रक हम लोग देखते जाएंगे, और इम्पोर्टेंट जो है क्योंकि इसमें हमने बताया था आधारित राशियां 7 बताया था उधर हम लोग, ठीक है उसका। अब इधर देखेंगे भौतिक राशियां, इसमें आधारित राशि और व्युत्पन्न राशियां दोनों मिल होंगे, और देखेंगे हम लोग यहाँ लंबाई का मात्रक मीटर है, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को हम अगर डिटेल्स करके दिखाएं, आयतन का मात्रक, ठीक है, अगर हम लोग क्षेत्रफल लिखते हैं तो क्षेत्रफल बराबर जनरली फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और इंटू चौड़ाई का भाई मात्रक क्या होता है मीटर, और दोनों मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे लिखा गया मीटर स्क्वायर आ रहा था। नेक्स्ट है आयतन, आयतन को हम लोग उसी तरीके से लिखते हैं, आयतन बराबर अगर हम लोग लिखेंगे एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, एल का वैल्यू भी वही मीटर इंटू मीटर, यू विल गेट अल्सो मीटर क्यूब, ठीक है, ये हमारा मीटर क्यूब हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का होता है केजी यानी केजी, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, हमने इसे लिखा, चाल या वेग मीटर पर सेकेंड, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब त्वरण को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, यानी इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इकाई समय में वेग में परिवर्तन। अब वेग होता क्या है मीटर पर सेकेंड, और इकाई समय यानी पर यूनिट टाइम सेकेंड। अब ध्यान रखना है मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संवेग, संवेग का मात्रक होता है हम लोग के सामने केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। बल का मात्रक न्यूटन बोल सकते हैं, न्यूटन तो एक नामधारी मात्रक है, लेकिन अगर इसे हम लोग जनरली फॉर्मूला के हिसाब से अगर इसको डिराइव करें तो इधर हम लोग देखते हैं फॉर्मूला के हिसाब से बल बराबर यानी एफ इक्वल टू होता है एम ए,
क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, और एम का वैल्यू केजी और ए का वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसी से आया था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ऊर्जा का माल होता मात्रक होता है जूल, और कार्य का मात्रक होता है जूल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन मीटर। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वाट, क्योंकि वाट इसका नामधारी मात्रक है ना। जेम्स वाट ने इसको ड्राइव किया था, इसीलिए इसका नाम वाट है उनके नाम के ऊपर। बल आघूर्ण न्यूटन पर मीटर होता है, ध्यान रखना है न्यूटन मीटर अलग होते हैं। न्यूटन मीटर का मतलब होता है न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन पर मीटर का मतलब होता है न्यूटन बाई मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं दाब। दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसका एक वैज्ञानिक नाम है यानी पास्कल, उनके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको पास्कल बोलते हैं। कोण का मात्रक होता है रेडियन, और कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड होते हैं, कोणीय त्वरण रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज त्वरण का मात्रक हमने बताया था यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर आता है, इसलिए सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आ रहा। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है वन बाई प्रति एकांक समय में। ठीक है, वन बाई एस, अब यही वन बाई एस को हम लोग जनरली लिखते हैं हर्ट्ज, या इसी को हम लोग लिखते हैं सेकेंड इनवर्स। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर होता है, और आवेश का मात्रक कूलॉम यानी चार्ज का मात्रक कूलॉम होते हैं। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वोल्ट इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, वोल्ट होते हैं। तो हमारा इस टॉपिक समाप्त हुआ, इसमें और सारे हैं जो कि हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।